सर, वहां क्यों खड़े हैं आप? और किन ख्यालों में खोए हुए हैं? नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे। अब सच बताइए ना सर, क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था कि तुम अच्छी कब हो जाओ। एक्सक्यूज मी, पेशेंट को एक्सरे के लिए ले जाना। चलिए आप चलिए प्लीज, मैं आ जाऊंगी। आराम से। यस। नमस्कार पृथ्वी जी। चलिए पिताजी, संभाल के। पृथ्वी जी, मैं पॉलिटिशियन हूं, वायदे का पक्का, पर क्या करूं, आपने मजबूर कर दिया। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है ऐसी हालत देखकर, पर आपने भी तो अपना वायदा पूरा नहीं किया। आपकी आंखों में ये आंसू नहीं होते? अगर पद्मा मिसेस सिन्हा बन गई होती तो। चलिए आप। ट्रक में सारा सामान लग चुका है। हाँ ठीक है, ताला लगा दो। क्या बात है? हाँ? पिछले एक तो हफ्ते से आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अपनी पहचान छुपाने की मेरी सारी कोशिशें बेकार हो गई। जनार्दन मुझे पहचान गया है, अब मेरे बारे में पुलिस को बताने से वो गुरेज नहीं करेगा। अरे वो क्यों बताएगा पुलिस को आपके बारे में, उसे क्या जरूरत है? क्योंकि मैंने उसकी बेइज्जती की। सीमा का रिश्ता उसके बेटे के साथ ना करके उसके बेटे की बेइज्जती की। जूनियर क्लर्क की हैसियत से जब कंपनी में मैंने कपला किया था ना, तब वो मेरा सीनियर था, सब कुछ जानता है मेरे बारे में। अच्छा, सब कुछ जानता है? हाँ, कपला करके मैं तो लापता हो गया था, लेकिन उसकी काफी पूछताछ हुई थी। इन सब बातों का वो बदला जरूर लेगा। आप इतनी आगे की सोचकर क्यों चिंता में पड़े हुए हैं? हो सकता है ये सब बात उसके दिमाग में रही ही ना हो। मैं जनार्दन को अच्छी तरह से जानता हूँ। उसकी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है कि वो इन बातों को भूल जाएगा। वो मुझसे बदला लेने की जरूर कोशिश करेगा। ये तो बाकी परेशानी वाली बात हुई, तो आप क्या करेंगे? मेरे ख्याल से मुझे उससे मिलकर बात करनी चाहिए। हाँ?
आप उससे मिलेंगे? हाँ मिलूंगा, और मिलकर उससे एक ऐसा सौदा करूंगा जिसे वो हरगिज हरगिज ठुकरा नहीं सकेगा। कौसला साहब, मीटिंग में थोड़ी देर हो गई। कहिए क्या चाहते हैं आप? अरे पुरुषोत्तम जी, आप तो सब कुछ जानते हैं जनाब। क्या? एक ही सोमवार को एक टेंडर खुलने वाला है, और आप तो जानते हैं कि उसमें मैं भी इंटरेस्टेड हूं। कने फिक्र की कोई बात नहीं है, सारी डील उसी तरह से होगी। ये रखिए एडवांस, बाकी भी आपको घर पर उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को मिलेगा। जल्दबाजी मत कीजिए खोसला साहब, अभी तो हमारा लेन देन भी तय नहीं हुआ, तो ये एडवांस कैसा? क्या बात कर रहे हैं पुरुषोत्तम जी, हमारा आपका लेन देन तो पिछले 2 सालों से तय है। अब सारी उम्र वही लेन देन तो नहीं चलेगा ना खोसला साहब? मैं कुछ समझा नहीं पुरुषोत्तम जी। देखिए, अब मुझे हर डील का 15% बतौर कमीशन चाहिए, और टोटल अमाउंट का 50% एडवांस, समझे? अगर ये सौदा आपको मंजूर है तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ, वरना इस बार मुझे माफ कीजिए। पुरुषोत्तम जी, ये तो बहुत ज्यादा है, इतना तो कोई भी नहीं दे सकता। आप एक बार फिर से सोच लीजिए। मैं अच्छी तरह से सोच चुका हूँ, अब सोचने की बारी आपकी है। आप सोच लीजिए आपको ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या नहीं। देखिए खोसला साहब, अब काफी देर हो चुकी है, आप जाइए, वरना बिना वजह मेरा स्टाफ मुझ पर शक करेगा। पुरुषोत्तम जी, 15% बहुत ज्यादा है। देखिए, मैं 1% भी कम नहीं करूंगा। जैसी आपकी मर्जी। इतनी घबराई हुई क्यों है? नहीं तो मैं कहाँ घबराई हुई हूँ पागल। पायल, मैं तुझे सुबह से देख रही हूँ, तू बहुत उदास और परेशान है, आखिर बात क्या है? सीमा, मैंने कुछ बातें सुनी है, अगर तुम सुनोगी तो शायद यकीन ही नहीं करोगी। जाने दो। क्या सुना है तूने? पता नहीं सीमा, तुम्हें ये सब जानकर तुम्हें कैसा लगे, तुम कैसे रिएक्ट करो, लेकिन जो मैं कहने वाली हूँ वो सच है। ओ पायल, आखिर बताओ तो सही, क्या सुना है तुमने, क्या बात है? सीमा, मैंने अंकल और आंटी की कुछ बातें सुनी है, और जो कुछ भी मैंने सुना है वो। पायल प्लीज, फॉर हेवन्स सेक बताओ। अंकल और आंटी सूरज के पापा के बारे में बातें कर रहे थे सीमा, और जो कुछ मैंने सुना उसे ये पता चला कि अंकल और सूरज के पापा एक ही कंपनी में काम किया करते थे। अंकल ने उस कंपनी में घपला किया था सीमा, और फिर सजा के डर से वो अमेरिका चले गए। ये क्या कह रही है तू पायल? मैं सच कह रही हूँ सीमा। यही नहीं, अंकल जब अमेरिका से इंडिया लौटे तो एक नए नाम और नई पहचान के साथ लौटे, लेकिन उस नए नाम और नई पहचान के बावजूद सूरज के पापा ने अंकल को पहचान लिया, और अब अंकल बहुत डरे हुए हैं। उन्हें यह डर है कि अगर सूरज के पापा ने उनकी असलियत के बारे में पुलिस को बता दिया तो पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। नहीं पायल, ऐसा नहीं हो सकता, तेरे सुनने में जरूर कोई गलती हुई है। कहीं कोई गलती नहीं हुई है सीमा, जो मैंने सुना और तुझसे कहा वही सच है। ये बार बार दाल क्यों बनाते रहती हूँ? ये ले, अरे मुझे अच्छा, मैं देखता हूँ।
हेलो पूरब भैया। बेटे पूरब, मैं बोल रहा हूँ, अपना काम हो गया है, वो डील पक्की हो गई है, खरीदार किसी भी वक्त खड़ा सकता है, तुम्हें वहां से निकल जाना चाहिए, सुन रहे हो ना? हाँ, सब सब ठीक है। ओके इसका फोन था बेटा? हाँ मेरे दोस्त का। बेटा सब ठीक है ना? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। आपको तो हर वक्त सब परेशानी नजर आती है। भैया मुझे तो लगता है उस इंटीरियर डेकोरेटर का फोन था, क्यों? हाँ वही। कौन डेकोरेटर? कब आया था? अरे उस दिन पूरब ने बात नहीं की थी कि वो हमें सरप्राइज देना चाहता था, जिस दिन मैं सीता दीदी के घर चली गई थी। जनार्दन जी हैं? कमड़ी साहब, आप इतनी जल्दी? पूरा तुमने घर खाली नहीं कराया अभी तक? जी घर खाली नहीं किया मतलब? कौन है आप? मैं धीरू भाई कापड़िया, और आप कौन? मैं जनार्दन जोशी, इस घर का मालिक। अगर आप जनार्दन जोशी हैं तो फिर वो कौन है जिसे पूरब ने मुझे अपना बाप और जनार्दन जोशी कह के मिलवाया था? पूरब, आप कैसी है सोनल? पहले से बेहतर है माँ, मेरे ख्याल से एक दो दिन में हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। भगवान करे वो जल्दी ठीक हो जाए। बुआ मैं भी भगवान से यही दुआ मांगती हूँ कि सोनल जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन जैसे वो ठीक हो जाएगी एक परेशानी खड़ी हो जाएगी। ये क्या कह रही तू? अब कौन सी परेशानी? क्यों मोन लिया, परेशानी खड़ी हो जाएगी ना। कौन सी परेशानी भाई? अब देखिए ना, आप रोज अस्पताल जाकर उसका हाल पूछने के बहाने उसे मिल आते हैं, लेकिन जैसे वो ठीक हो जाएगी ये सारी मुलाकातें तो बंद हो जाएंगी। क्यों? पद्मा मां, इसके मन में जो भी आता बोलने लग जाती है बस। देखा हुआ, सोनल का नाम लेते ही भैया का चेहरा खिल उठा। हां वो तो मैं देख रही हूं। मां तुम भी इसकी बातों में शामिल हो गए हो? हां क्यों, क्या गलत कह रही है वो? मां ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं, मैं उसकी देखभाल सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक तो उसके पिताजी ने हमारी मदद की थी और दूसरा वो मेरी स्टूडेंट है, बस बस। मोहन भैया ये तो हम समझ रहे हैं। अब ज्यादा मत समझो, जाओ जाके खाना लाओ, मुझे भूख लगी है। चला जा, जल्दी जाओ। क्यों, सोनल की बातें सुनकर पेट नहीं भरा? मतलब मिस्टर जनार्दन, ये देखिए एग्रीमेंट और ये देखिए सिग्नेचर, ये किसके सिग्नेचर है? सिग्नेचर तो मेरे ही है, लेकिन लेकिन क्या, ये देखिए इस सिग्नेचर पर इसने भी साइन किया है एज विटनेस। अब आपको जो कुछ पूछना है सीधे पूछिए। ये सब क्या है मुझे सच से बताओ, वरना कि मैंने विटनेस पे सिग्नेचर किए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं सब क्या है। इनकी कुछ डील हुई थी मेरे पिताजी से, वो उन्होंने मुझे सिग्नेचर करने को कहा, मैंने कर दिया। आप तो भाई इंटीरियर डेकोरेटर है ना जो उस दिन आए थे? मैं और इंटीरियर डेकोरेटर? हाँ। अरे भाई मैं तो एक स्टेट एजेंट हूँ, इसका मकान उसको और उसका मकान इसको बेचकर अपना कमीशन लेता हूँ और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता हूँ। हाँ उस रोज मैं घर दिखाने जरूर आया था, और उसके दूसरे दिन मिस्टर कपाड़िया भी आए थे जो मिस्टर जनार्दन से मिले और फिर डील हो गई। जी हाँ, पूरे 30 लाख की डील। अब यह बंगला मेरा है। इससे बड़ा धोखा मुझे नहीं मिल सकता था। क्यों, क्यों किया तुमने ये? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पिता को घर चाहिए था, उनकी उनकी मेरी मां से बात हुई, उन्होंने मुझे घर के पेपर्स दे दिए, मैंने जाके उनको दे दिए। झूठ बोल रहा है तू? तूने मेरी ममता का, मेरी कमजोरी का फायदा उठाया है। तूने पेपर्स दिए थे लेकिन लोन के लिए, और फिर वापस भी ला कर दिए। मुझसे एक बार फिर गलती हुई, मैंने ये बात जनार्दन से छुपाई ताकि तेरा काम हो सके, तेरा बिजनेस फले फूले।
मुझे पे इल्जाम लगा रहे, अपनी माँ पे। बोल बेटा, बोल, तूने जो कहा सब झूठ था। मिस्टर जनार्दन, ये आपका फैमिली मैटर है जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे मतलब है सिर्फ अपने पैसे से और इस घर से। अगर आपने मुझे इस घर का पोजीशन नहीं दिया तो मैं आपको कोर्ट कचहरी में घसीटूंगा, समझे आप?